नशा वेचन तो रोकिया ता बेरहमी नाल बजुर्ग दी कीती कुटमार। बजुर्ग आदमी नू चप्पलां ते चपेड़ा नाल बेरहमी नाल कुटिया। वीडियो बना के कीता वायरल। मामला माछीवाड़ा साहब तो सामने आया जिथे नौजवानों वालों एक बुजुर्ग की बेरहमी नाल कुटमार की जा रही है। तस्वीरां तुसीं देख सकते हो कि किस तरीके नाल बुजुर्ग दे चप्पलां मारियां जा रही ने, चपेड़ा मारियां जा रही ने। तुसीं ये भी देख सकते हो कि नौजवानों वालों उसकी कमीज़ भी उपर चकाई जाती है, तो उस तो बाद उसकी पिठ ते चप्पलां उन्हां वालों मारियां जांदियां ने। तां माछीवाड़ा साहब का मामला दस्या जा रहा है ते बजुर्ग का नाम मनजीत सिंह दस्या जा रहा है, जिसने कि नौजवान नूं नशा वेचण तों रोकिया तां उसकी बेरहमी नाल कुटमार की गई जुत्तियां अते डंडियां नाल, ते वीडियो बना के उसनूं वायरल कर दिता गया। तां इत्थे तुहानूं इह वी दस दईए कि जानकारी दिंदे होए मनजीत सिंह ने दस्या कि वह उत्थे दे नौजवान ने, वह रात वेले उसके घर आए तो उसनूं खिच के बाहर लै गए तो लड़ाई करनी शुरू कर दिती। नौजवान उसनूं घड़ीस के नाल वाली कलोनी च लै गए जिथे उसकी बुरी तरीके नाल कुटमार की गई और जानों मारन दीआं धमकियां भी उसनूं दित्तियां। शिकायतकर्ता ने दसिया कि कुटमार रंजिश करके सी कि वह उन्होंने नशा वेचन तो रोकता सी, जिस करके उन्होंने वालों उसकी कुटमार की गई है। मेरा नाम मनजीत सिंह जी, मैं इन्होंने घरों बुला के ना जी बहुत ज़्यादा कुटिया है भाई। कौन कौन सी कुटना? शीला जी, एक कोगड़े जी, एक जसू जी। कारण की कुटना का कारण की तो मैंने कहे ये कह रहे भी नशा बेचता है। वो नशा बेचते हैं? हाँ जी, वो नशा बेचते। रोकया जी? वो कहने तू सू दखा जी ना दे। अच्छा, किदन की गल है? ये ऐतवार की गल है जी। चप्पल डंडे चप्पल मेरे चप्पल बहुत फेरी है जी इन्होंने। हाँ जी, शिकायत करती है। चाहिए नशा बहुत बेचता जी, पींदा भी आ, चिट्टा भी बेचता जी, चिट्टा पींदा भी आ। हां जी, नशा बेचते आ। जानकारी दिती आओ तुहानू वी सुणाउने आ। हांजी, राउंड 4 बजे साडे कोल 4 व्यक्ति आए सी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ਰਿਆਮ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲੜਕੇ। ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 FIR ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਪਰ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ 2 ਲੜਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੀ, 2 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਰੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ FIR ਜਿਹੜੀ